प्रयागराज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार ईंट पत्थर से मार मार कर बेरहमी से परिवार के लोगों की हत्या की गई है। क्या बुरा मामला हुआ? हमें बुरा मामला ये है कि प्रशासन आके लाश क्यों हटाई गई है, ना प्रधान के सहमत से पूछा गया, ना गांव देश के सहमत से पूछा गया। सिर्फ यहां प्रशासन आई है, डीएम एसडीएम कमिश्नर तक ही पहुंचे हैं, कोई अभी बता नहीं पा रहा है लाश क्यों हटाई गई है। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है, हॉस्पिटल कौन सी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। अगले 24 कितने लोग यहाँ रहते थे, किसकी हत्या हुई, 5 लोग सर, ये वजह हम लोग अगर जानते हैं तो कोई आशंका नहीं है। अभी जब से हम अपने सिस्टर की शादी की है यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, तो हम लोग कैसे जाने की क्या बात थी। प्रशासन को हटाई है, अगर 24 घंटा के अंदर सच्चाई के पता ना चला तो हम परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम साहब होंगे। मेरा नाम ललित यादव। अगर हमारी बेटी थी, हमारा चाचा है। अगर 24 घंटा के अंदर सच्चे कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे डीएम साहब होंगे। संजय खत्री जी हम उसके भाई हैं, वो मेरी सिस्टर थे। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में है। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है, उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया हत्या में, चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीठ से मारा गया, डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीजें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगे। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।